पंजाब कांग्रेस ने हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में फिर से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की है और आम आदमी पार्टी ने भी छात्र संघ चुनाव पर हामी भरी है, लेकिन पार्टी के सांसद भगवंत मान इस बारे में अलग राय रखते हैं और उधर मुख्यमंत्री बादल इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से सालों बाद यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाने को हरी झंडी दे दी गई है। उधर पंजाब में कांग्रेस ने एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वे लंबे वक्त से पंजाब में फिर से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी भी छात्र संघ चुनाव करवाने में समर्थन दे रही है, पर संगरूर से मेंबर पार्लियामेंट भगवंत मान छात्र संघ चुनाव करवाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कैप्टन की इस मांग पर ज्यादा कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। के ऑल पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस मस्ट हैव इलेक्शंस, इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो कोई स्टूडेंट है 18 साल का विद इन दी कॉलेज, ही कैन वोट फॉर मी, ही कैन वोट फॉर एन एमएलए और एमपी, बट ही कांट वोट फॉर हिमसेल्फ। दिस इज द रॉन्ग सिस्टम। वैसे तो राजनीति का खाड़ा नहीं बनाना चाहिए यूनिवर्सिटियां नु ते कॉलेजां नु। ऑलरेडी असीं देख लिया जेएनयू वाला मामला जां हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाला जां कश्मीर दे विच की होया। कोई इलेक्शन लड़े जिहड़ियां बेसिक इलेक्शन रूल्स है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, कोई हरियाणे दे च ए इलेक्शन जिहड़ा है ना मेरे वास्ते है ना हरियाणा दे वास्ते है। पंजाब में यूनिवर्सिटी के चुनाव पर बैन दहशतगर्दी दौर के समय में लगा हुआ है। 1983 में पंजाब की यूनिवर्सिटीज में चुनाव पर बैन लगा दिया गया था, पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि सारे देश की यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाए जाएं, पर पंजाब ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। पंकज कपाही, जगतार भुल्लर, राजीव वधवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।